हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जो हमारा सीरीज चल रहा है हाउ टू लर्न इंग्लिश, उसी सीरीज के आगे वाले स्टेप्स में आज हम थोड़ा वर्कआउट करने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज वी ऑल लर्न अबाउट द टेंसेस, ऑल द अफर्मेटिव फॉर्मेशन ओनली। सारा हम लोगों ने टेंसेस सीखा है, लेकिन सब में क्या सीखा हम लोगों ने? अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज कब यूज़ कर सकते हैं? जो सकारात्मक चीज़ें बोलनी हो, यानी यस के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो यस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वैसे कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन ये से तो काम होने वाला नहीं है, इससे आगे भी चलना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न सम मोर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कड़ी आती है वो इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक हिंदी के हिसाब से। जब हम प्रश्न करना सीख लेते हैं, हमें उत्तर मिलना शुरू हो जाता है, और फिर हम उत्तर देना भी सीख जाते हैं। फिर हमें यस में देना या नो में देना, बस यही कड़ी है। यहीं से स्पोकन कह लो, क्वेश्चन आंसर भी जो आप लोग देते हो टेक्स्ट पढ़कर, जो पैसेजेस आते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ऑल वी हैव टू डू फ्रॉम दिस पैटर्न ओनली। यही पैटर्न। सो बहुत इंपॉर्टेंट फेज में आ गए हम लोग, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग एक्चुअली, तो आप लोग सीख जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बट वो इशू रहेगा ही हमेशा जब तक आपकी वर्कअप पावर अच्छी नहीं रहती है। वो मैं डेली एक क्लास में रिमाइंड कराता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान रखें। जब भी आपको नए वर्ड्स या वर्ब्स या कुछ नया दिख रहा है, प्लीज़ नोट डाउन एंड क्लैरिफाई फ्रॉम गूगल, फ्रॉम डिक्शनरी, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप कर सकते हो। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलो मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या है आज। तो मैंने हेडिंग लिख के रखा है, हाउ टू फ्रेम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखा जाए, इसका मतलब यही है। तो इसके लिए मुख्य क्या बातें चाहिए हमें? वी नीड हेल्पिंग वर्ड फॉर इट, ये ही मुख्य बात है। इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ड की आवश्यकता होती है इंटरोगेटिव बनाने के लिए। वर्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कई बार क्यों लिखा है मैंने वो अभी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अदर देन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, ऑल अदर टेंसेज हैव हेल्पिंग वर्ब्स, इसीलिए लिखा था मैंने वो, कि जो 12 टेंसेज हैं उनमें से आप देखोगे 10 टेंसेज में तो आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहे होंगे, लेकिन 2 टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसीलिए और भी दिक्कत खड़ी हो जाती है, लोग सोचते हैं अब इसका क्या किया जाए। मैं आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे बता रहा हूँ, बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर। मान लो ये पहले यहाँ पे था, मान लो दिस वॉज हियर, ये जो चीज़ थी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती है जनरली हर एक टेंसेज में, जो 10 हैं। मेरे को यहाँ लिखने के बजाय इसको बाहर ही लिखना है, यहाँ से सब्जेक्ट डिसाइड कर लेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना। अभी मैं लाइव करके बताऊंगा आपको सारे एग्जांपल्स, तो आप देखना। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आते ही ये इंटरोगेटिव बन जाता है। जो भी वाक्य हिंदी में क्या से शुरुआत होता है, क्या से शुरुआत होने वाले वाक्य, ऐसा अपन कह सकते हैं। जब भी ऐसा होता है तो हाँ या ना का आंसर आता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे बोला जाता है HV टाइप मीन्स हेल्पिंग वर्ड टाइप, यस या नो। तो यस या नो का हम यहाँ से ले सकते हैं, मतलब अब हमारे पास ये पावर आ जाएगी कि जब भी हम इससे स्ट्रक्चर से बोलते हैं या लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आंसर मिले, और वो आंसर यस या नो में हो सकता है। मैंने यहाँ पे भी वैसे लिखा, लेकिन ये क्या कर दिया मैंने कि भाई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे टू। अगर आप देखोगे तो कुछ टेंसेज ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब डबल हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ले लो, हैज बीन, हैव बीन आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ले लो, हैड बीन प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ले लोगे तो विल, हैव बीन, शैल, हैव बीन आईएनजी, मतलब 3 पार्ट में हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, जनरली आजकल बहुत सारे इसके अंदर भी प्रयोग हो रहे हैं, कई बार दोनों पार्ट भी बाहर ले आते हैं, वो सब अलग बात है, पर जनरली जो नियम है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन जो अलाउड है लिखना पूरे वर्ल्ड में, आपको हेल्पिंग वर्ब अगर 2 हिस्सों में है तो पहला पार्ट ही आप बाहर लाओगे, सेकंड अंदर ही रखोगे। मैंने कहा ना अभी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए फंडामेंटल चेंजेस ला रहे हैं लोग मॉडर्न अंग्रेजी के हिसाब से। कई बार आप देखोगे कि दोनों ही चीज़ें बाहर है, पर वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो लेटर स्टेज में आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो यहाँ तो अभी तो आप मान के चलो कि आपको हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा बाहर लाना, दोनों एक ही चीज़ है। इन दोनों चीज़ों में से दोनों इसलिए लिखा है कि एक ही पार्ट का हेल्पिंग वर्ब है तो वो बाहर आ जाएगा और वर्ब सीधा आ जाएगा।
अगर एक से ज़्यादा पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है तो पहला पार्ट बाहर आ जाएगा, दूसरा अंदर ही रह जाएगा, और उसके बाद में जो भी वर्ब की फॉर्मेशन है उस टेंस के हिसाब से आ जाएगा। अभी मैं करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल अलग से। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब हिडन है कह सकते हो, जब इसको हम इंटरोगेटिव में लाते हैं तब ये बाहर आता है, SES वाला, वही जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। एक में बिना SES वाला है डू, और दूसरा है डज, इसी में SES वाला कवर होता है। और अगर ये वर्ब भी है इनफैक्ट, लेकिन जब इसको HV की तरह यूज़ करो या वर्ब की तरह यूज़ करो, जैसे भी यूज़ करो, जब भी इसको पास्ट में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। तो इसकी भी बहुत बड़ी थ्योरी है, आई डोंट थिंक दैट यू नीड ऑल दिस काइंड ऑफ थ्योरी। आप अगर इतना याद रख पाते हो अपनी लाइफ में कि प्रेजेंट सिंपल के लिए जब भी इंटरोगेटिव हम बनाएंगे तो हमें डू या डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट से पहले, इतना ही याद रख लें आप लोग। और डू डज को पास्ट में ले जाते हैं तो डिड बन जाता है। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का फॉर्मेशंस का जो भी है हम कर सकते हैं इंटरोगेटिव, और उसके बाद में उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बाकी। मैं ये कुछ भी मिटा नहीं रहा हूँ, नीचे वाले ये सब यहीं पे हैं आप लोगों के लिए, यू कैन जस्ट कीप वॉचिंग, देखते रहें और आप देखते हैं। तो मान लो मेरे पास में ये सेंटेंस है अफर्मेटिव का, ऐसे सीखने के लिए ऐसे अच्छा है, ही गोज स्कूल एवरी डे, वह स्कूल डेली जाता है, इसका मतलब तो ये। लेकिन मुझे तो ये अगर अब किसी को मैं बोल रहा हूँ तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मुझे तो पूछना है किसी से कि क्या वह रोज स्कूल जाता है, ऐसा मुझे पूछना है। अगर ऐसा पूछना है तो ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो काम में आने वाला नहीं है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको वहाँ पे लिख के रखा है क्या से शुरुआत होने वाले वाक्य, अगर हिंदी में देखा जाए जो हम बोलते हैं, बिकॉज वी ऑल आर हिंदी स्पोकन, सो जनरली इन द माइंड इट कीप्स ऑन रोमिंग, हिंदी आती रहती है दिमाग के अंदर, घूमती रहती है, इसलिए मैंने रोमिंग वर्ड यूज़ किया था, दिमाग घूमता रहता है हिंदी, और इसलिए हिंदी हमें सीखने भी नहीं देती कई बार अंग्रेजी, वही बिकॉज हमारा जो मदर टंग है वही टंग पे जल्दी आ जाता है। फिर भी इफ़ यू लर्न इट्स ऑल गुड, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो इट विल बी सो यूजफुल टू यू। मोर ओवर मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर कमिंग, एंड इन दैट कंपनीज इफ़ यू वॉन्ट जॉब तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। इस हिसाब से ही गवर्नमेंट का सिलेबस भी ऐसा ही है, उन्होंने इसलिए अंग्रेजी सिलेबस में डाला है, अदरवाइज क्या जरूरत है अंग्रेजी की भारतीय लोगों को। लेकिन हमें क्या है, ग्लोबली बिजनेस करना है, हम लोग भी WTO के मेंबर हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारा भी आइटम जाता है, हम भी खरीदते हैं, तो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही कम्युनिकेट होती है। इसलिए जिनको अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज होती है दे कैन हैव गुड डीलिंग एंड दे कैन हैव गुड बिजनेस। तो इसी ख्याल को रखते हुए ही सिलेबस में डाला गया है कि आप लोग भी अंग्रेजी सीख जाएं। चलो खैर मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया कि क्या वो रोज इसको जाता है, अगर मैं हिंदी में आंसर देना होगा तो मुझे क्या होगा, हाँ या ना मैं दूंगा, तो मैं अभी हाँ पे जाऊंगा, मैं ना के लिए अलग से एक वो करूंगा, मतलब नेगेटिव बनाने का अलग से करेंगे, बहुत ही 5 मिनट का रहेगा क्लास, वो भी सीख लेंगे। जैसे आपने देखा ये आपका सब्जेक्ट है ही, अब ही के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लेना है, ये है और प्रेजेंट सिंपल का है, ये तो आपको पता लग गया। अगर यहाँ से देखें तो इसने वर्ब में SES लिया हुआ, मतलब गो के लिए येस लिया हुआ है, क्यों येस जुड़ा है गो में वो आपको पता है। इसका मतलब अगर ऐसे वर्ब के साथ ही लिखा जाता है तो जब भी अब मेरे को इंटरोगेटिव बनाना होगा तो मुझे डज का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे याद रख लें कि भाई ऐसा ही के लिए डज का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि ये शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया। मैं रूल भी लिखूंगा बाद में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ होता है क्या है, ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया, अब इसका मतलब ये सीधा यही बच गया, ये तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, जैसे केमिस्ट्री का इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं वैसा बैलेंसिंग एक्ट टाइप ही है। ये लो यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा गो, सो डज ही गो स्कूल एवरी डे। अब अगर ऐसा मैंने लिखा है या कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा और आंसर देना होगा, यस नो आंसर अभी छोड़ दो, यस आंसर देना होगा अगर मुझे, तो यस आंसर बिल्कुल यही वाला आना है, यस ही गोज, फिर क्या हुआ ये शिफ्ट होके कहाँ आ गया, अंदर की साइड में आ गया, बस वही हुआ ना बैलेंसिंग। तो यहाँ से ये हटा, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि क्यों ऐसा होता है, तो यस ही गोज स्कूल एवरी डे, ये यस आंसर हम लोगों ने
तैयार कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। वाई रह गया था लिखना, वाई मिस्टेक, यहाँ पे भी रह गया था। ओके, नाउ है करेक्टेड। तो आप देख लो, एवरीडे एवरीडे एवरीडे, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी में, वाई मैंने छोड़ दिया था, तो अभी नज़र पड़ी तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। तो डज ही गो स्कूल एवरीडे, यस ही गोज स्कूल एवरीडे। अब मैं इसका फॉर्मेशन ही तैयार करूँ। अच्छा, ये तो मैं आपको अली अभी छोड़ूंगा, या ये भी समझो है। तो अभी अगर प्रेजेंट सिंपल के लिए सिर्फ मेरे को याद रखना है कि इंट्रोगेटिव रूल क्या है, तो मुझे ऐसे याद रखना पड़ेगा, डज और डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे याद रख लेंगे। क्यों, ये एस सी एस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डू के लिए तो आना ही नहीं। बात वही आ गई जो हमने शुरुआत में सीखा था। अगर मुझे याद है कि ही सी इट और नाउन सिंगुलर केस हैं, तो अगर वो वर्ब के साथ एस सी एस लेते हैं तो वही वाला मतलब है कि इनके लिए सबके लिए हम किसका यूज करेंगे, डज का। और बाकी जो बच गए कौन कौन से, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल, इनके लिए हमें सिर्फ किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डू का। इस प्रकार से ये हम याद रख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मेरे को अगर यही वाला हिंदी में दिया है, क्या वो रोज स्कूल जाता है, इसी फॉर्मेशन से देख लें कि सब्जेक्ट ही आ रहा है, ये रहा ही, इसके लिए मुझे क्या यूज करना है, डज और आगे फर्स्ट फॉर्म। मैं एक और ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर इसके भी ब्लैंक्स बनते हैं, यहाँ पे भी फिलअप करवाएंगे आपसे, ऐसा है। तो मान लो कि क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, ऐसा कुछ मान लो सिचुएशन है। सब्जेक्ट क्या है, यू, पता लग गया प्रेजेंट सिंपल का। यू के लिए हेल्पिंग और क्या यूज करेंगे, डू। तो अब आ जाएगा, डू यू गो स्कूल एवरी डे। आपको समझ में आ गया होगा सारा ये। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला मैंने आपको बना दिया कि डू डज आपको याद रख लो, डज किसके लिए है, ही सी इट एंड नाउन सिंगुलर के लिए, और डू किसके लिए आएगा, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल के लिए। अगर ऐसे भी याद रखना ऐसे रख सकते हो। चलो ये केस हो गया, अब पास्ट सिंपल का केस ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही वेंट स्कूल यस्टरडे या ही वेंट स्कूल, ये आपको देख के पता लग गया है ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अब मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, ऐसा हिंदी मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या वह स्कूल गया, ऐसी कुछ हिंदी मेरे दिमाग में आ रही है, मतलब प्रश्न कर रहा हूँ दिमाग से ही और किसी के लिए। जैसे ही इस दिमाग में आ गया, क्या से शुरुआत हो रही है, शुरुआत क्या से है हिंदी में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, और हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा इसमें, पास्ट सिंपल का, क्या है, डिड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो सी हो इट हो कुछ भी हो, डिड ही आना, एक ही है, इसके लिए आगे ले लेंगे डिड, याद ऐसे रखना है डिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये सेकंड फॉर्म में था यहाँ से, अब यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म आएगा। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, बहुत अच्छे जानकार भी कई बार गलती कर देते हैं, थिंकिंग दैट पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आता है, बचपन से सिखाया जाता है, दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे कर देते हैं। अब सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं आएगा, देखो मैं आपको और बताता हूँ, बैलेंसिंग एक्ट, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, चाहे वो एच बी की तरह यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन है सेकंड फॉर्म। कैसे, डू डज फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन होती है, तो ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसलिए बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बैलेंसिंग करने के लिए मतलब अब ऑलरेडी आ गया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, अगर आप ये रख पाते हो तो बहुत सारा आपको एरर निकालने में भी ईजी हो जाएगा, जो लोग कॉम्पिटेटिव लेवल में हैं और वो सीखना चाह रहे हैं अंग्रेजी। डिड ही गो स्कूल, अब अगर मान लो कि यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, बाय द वे
डिड ही वेंट, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने सुना है खुद भी, बिल्कुल ही गलत है, देर इज नो यूज। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने करके भी बता दिया, एरर भी क्रिएट करके बता दिया है, बिल्कुल ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और क्यों रहेगा उसका रीजन भी बता दिया, और क्वेश्चन मार्क इसका आंसर अब मुझे यस देना, मैं नो का तो अभी ले ही नहीं रहा हूँ आज टॉपिक, यस लेना है तो यस के लिए आंसर यही हो जाएगा, यस ही वेंट स्कूल, ये आ जाएगा, यस ही वेंट स्कूल, ये लो आपका हो गया तैयार। तो आई होप प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का आपको समझ में आ गया। अब दूसरे टेंस में से किसी एक का ले लेता हूँ और एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, मैं कुछ मिटा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, ये आपको फॉर्मेशन जो मैंने बताया बेसिक वो वैसे के वैसे ही है। अब मान लो कि मैं एक फॉर्मेशन लेता हूँ, क्या वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, वो बाद में हम जोड़ते रहेंगे, इतना ही सिचुएशन है। क्या पता लग गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल हमें याद है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब वो इज आर एम में से हमें बाहर रखना है, तीनों में से एक जो बाहर है, सब्जेक्ट ही है, ही के लिए क्या बाहर आ जाएगा, इज ही गोइंग, दैट्स इट। तो यही मैंने लिख के रखा है कि सब्जेक्ट से पहले ले लेना है हेल्पिंग वर्ब, और ऑटोमेटिकली ये इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब मैं इसको आंसर देता हूँ, यस ही इज अंदर आ जाएगा वापस, ही इज गोइंग, बहुत ही बेसिक चीज है। मालूम मुझे पास्ट कंटिन्यूस का लेना था, क्या वह उस वक्त जा रहा था, मान लो ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं, तो पास्ट कंटिन्यूस का यहां से पता लग गया, या दिमाग से कह लो जैसे पता लग गया, सब्जेक्ट ही है, ही के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर क्या आ जाएगा, वॉज ही गोइंग एट दैट टाइम, और क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा यहां पर वॉज आ गया, अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो ये एग्जाम में ये दे दिया आपको, यहां ब्लैंक दे दिया एक, यहां ब्लैंक दे दिया, अब आपको सेट में भरना पड़ेगा, ये वॉज के साथ में ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि इधर वॉज आएगा उधर गोइंग आएगा, इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाता है। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल हाउ टू फ्रेम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, स्पेशली यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, बिकॉज दैट बोथ डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब विजिबल, बट वेन यू चेंज इट टू द इंटरोगेटिव दैट टाइम इट विल बी विजिबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ डू डज, and when we take to the past it becomes did, in all other tenses we have already helping verbs, in that helping verb the first part we have to bring before the subject, aur jaisa aap agar karenge bahar laate hi wo interrogative mein change ho jayega, aur agar answer yes dena hai to aapko uska affirmative roop mein likhna hai। thank you very much for the day, see you again, bye bye।